नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। देश में फैले कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने बाबा दरबार में गर्भगृह में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर को की समय सीमा के अंतर्गत पूरा कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे पहुंचे पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, जहां उन्होंने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड का गहनता से निरीक्षण किया और वायरस से बचाव के लिए किए गए व्यवस्था की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ली। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह से अफवाह से बचने की अपील की। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अश्विनी कुमार, वरिष्ठ कंसल्टेंट फिजिशियन, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल वाराणसी। हैं, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस हेतु मुकम्मल व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक ओपीडी चलती है, राउंड द क्लॉक सारे स्टाफ्स यहाँ पर ड्यूटी पर रहते हैं। कोई भी पेशेंट संदिग्ध कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति या उस देश से यात्रा करके आया हुआ व्यक्ति जो कोरोना वायरस जहाँ फैला हुआ है यहाँ आता है, अपने चेकअप कराता है, उसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री ली जाती है। अगर लक्षण है तो उसको एडमिट करने की ज़रूरत है। एडमिट करने के लिए हमारे पास 10 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर है, वहाँ पर एडमिट किया जाता है पेशेंट को। अगर वो एडमिट करने लायक नहीं है तो उसको सिम्टोमेटिक मेडिसिन देकर घर पर आइसोलेशन के लिए 14 डेज के लिए रह जाती है, ताकि कहीं मीटिंग में, कहीं गैदरिंग में, कहीं फंक्शन में आप ना जाओ और कोई प्रॉब्लम हो तो संपर्क करो। पूरे प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में, हर एक जनपद में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड कोरोना फ्लू से प्रभावित लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में पहले से तैयार किए गए हैं। 24 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आइसोलेशन वार्ड बना करके हम लोग प्रदेश में 1268 बेड के आइसोलेशन वार्ड प्रदेश में अब तक स्थापित कर चुके हैं। प्रदेश में कुल 11 मरीज कोरोना फ्लू से प्रभावित पाए गए थे, जिनमें 10 का दिल्ली के सफदरजंग में उपचार चल रहा है, एक का लखनऊ में KGMU में उपचार चल रहा है। 5 लैब हम लोगों ने इसकी जांच के लिए प्रदेश में स्थापित की हैं भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें लखनऊ में 2 हैं SCPGI और KGMU में, एक अलीगढ़ में है, एक BHU में है, एक गोरखपुर में PRD मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी सेंटर को भी इसके लिए तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क भी है और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपील होगी कि इसके नाम पर अनावश्यक होबा न खड़ा किया जाए, केवल सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। भारत की जो शिष्टाचार की परंपरा रही है, अभिवादन की, नमस्ते, हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते का प्रयोग करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हाथ को अगर कहीं भी होता है तो उसको बार बार साफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस प्रकार की बीमारियों से हर व्यक्ति को बचाने में सफल होंगे। यह कोरोना के प्रति बचाव उपचार से महत्वपूर्ण कारक बन सकता है और इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम हर एक स्तर पर चल रहे हैं। कल उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में मैंने स्वयं ली है, हर जिला प्रशासन को, हर जनपद के स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा,
पंचायती राज और ग्राम्य विकास, नगर विकास, इन सबको इसके लिए तैयार किया गया है। हर विभाग मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से भी कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। आज मैं वाराणसी में आया हूँ। वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में जो एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, पूरी तरह सुरक्षित है, सेपरेट है, और यहाँ पर उनके आइसोलेशन वार्ड में उपचार की सारी सुविधाएं भी यहाँ मौजूद हैं। मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है। हम लोग बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर या टूरिस्ट आ रहे हैं वाराणसी की दृष्टि से, लखनऊ की दृष्टि से, अन्य सभी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी और NCR में भी हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरतने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि हम लोग सामूहिक सहभागिता और सहयोग से एक जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से, सतर्कता के माध्यम से कोरोना को परास्त करने में सफल होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।